जहां एक ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो जिस जगह पर कई वर्षों से रह रहा है उसे उस जमीन का पट्टा दिया जाए, तो वहीं रीवा जिले में कई वर्षों से रह रहे आदिवासियों को उस जमीन का पट्टा ही नहीं दिया गया। आदिवासी और हरिजन तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लोग 9 किलोमीटर दूर त्योंथर तहसील से अपने कष्टों और जरूरतों के संबंध में पैदल आकर संभागायुक्त रीवा के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि यह आदिवासी लोग खमरा ग्राम की आराजियों में वर्षों से मिट्टी के घर बनाकर सपरिवार रह रहे हैं और अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इस जमीन में इन लोगों का अधिकार कब्जा भी पटवारी व तहसीलदार के लोग नहीं लिखते हैं, जिससे इन आदिवासियों को कोई अधिकार भी प्राप्त नहीं है। आदिवासियों को सिंचाई विभाग से नोटिस प्राप्त हुआ है कि यह भूमि खमरा कला शासकीय सिंचाई बांध की जमीन है, पैसा जमा करें नहीं तो उनकी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। आइए सुनाते हैं इस मामले में ज्ञापन सौंपने आए लोगों ने क्या कहा है। घनश्याम नगर है तीर्थल में, ये काम भी घनश्याम सिंह साहब के मिश्र ने संघर्ष करके बहुत बताया था। आज 50 साल हो गया, उसके बाद आज तक बसे हैं वहाँ साल लोग कभी बस्ती बिठाने के लिए अन्ना कांसर अंकित है। अब उनको नोटिस जारी हुई उनको दखल करने के लिए, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो शासकीय अधिनियम भी लिखा है ना, जिसकी कि 12 साल का कब्जा किया उसके पट्टेदार हो जाता है। आज तक पट्टा नहीं मिला है, इसलिए हम लोग जो है कब्जे के तहत पट्टा है लेकर आज ये मुद्दे लेकर आज माननीय कृषि मुद्दे के तहत कर लेंगे। और भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा आंदोलन लगातार जंगी प्रदर्शन होगा इन आदिवासियों के लिए। पूरे देश में आदिवासी, पूरे सरकार कहती है कि आदिवासी इस प्रदेश के मतलब भविष्य है, आदिवासी ये है। सरकार आदिवासियों गलत कर रही है, इसकी नीयत गलत है, सोच गलत है, ये सरकार की मंशा है। ये त्योंथर तहसील के आदिवासी लोग हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। ये 90 किलोमीटर वहाँ से चलकर खाली कमिश्नर साहब को, कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री जी को ये मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं कि 50 साल से उस जिस जमीन पर वो मकान बनाए हुए हैं, ऐसे ज़मीनों से बेदखली की उनकी नोटिस हो रही है। कोई कभी इरिगेशन डिपार्टमेंट करता है, कभी कोई करता है, और कुछ ज़मीनों पर भी सरकारी ज़मीनें हैं ये, और ना ये ज़मीन पथरीली है, इसमें एक का जो कभी कहीं झाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं, नोक एंड कॉर्नर में है, बहुत दूर है। ये लोग इसके लिए आए हैं कि हमको, क्योंकि आजकल आदिवासियों की सरकार की तरफ से बड़ी चर्चा है कि उनके लिए वो कुछ काम करेंगे, तो उनका ध्यान दिलाने के लिए और उनसे ये कहने के लिए कि इन आदिवासियों को पट्टा क्यों नहीं देते हो। और हालात तो ये हैं कि गजब की बात है, जिला प्रशासन की ये बहुत वर्षों से हो रहा कि कानून में ये लिखा हुआ है कि जो आदमी जिस ज़मीन पर मकान पर जिस पर कब्जा किए होगा उसके कब्जे का उल्लेख खसरा में होगा,